धनापाली में नीलांचल सेवा समिति का एक और नया कार्यालय जनसेवा कार्य के लिए शुभारंभ किया गया। नीलांचल भवन बसना से धनापाली तक सैकड़ों की संख्या में विशाल बाइक रैली धूमधाम से निकाली गई। धनापाली पहुंचने पर सर्वप्रथम नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक श्री संपत अग्रवाल का कीर्तन, ढोल नगाड़ो, छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य करते हुए आतिशबाजी एवं डीजे के साथ जय जगन्नाथ स्वामी जय नीलांचल का जयकारा लगाते हुए समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गांव की माता बहनों ने आरती उतारकर पुष्पहार के साथ श्रीफल भेंट कर अतिथि देवो भव की तर्ज पर आत्मीय स्वागत तथा श्रीमान संपत अग्रवाल जी के द्वारा गांव का भ्रमण किया गया। इस कार्यक्रम में जबरदस्त जल सैलाब देखा गया। तत्पश्चात संपत अग्रवाल के द्वारा फीता काटकर भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा पाठ करके नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्री अग्रवाल ने आम जनता को संबोधित किया। सेक्टर कार्यालय अंतर्गत 20 से अधिक ग्राम के लोगों को इस कार्यालय से मदद मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा, बसना क्षेत्र में 18 कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा सहित खेलकूद को बढ़ावा देते हुए आम जन की मूलभूत समस्याओं को समाधान करते हुए संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का कार्य नीलांचल के सेक्टर प्रभारी व ग्राम प्रमुख द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। नीलांचल सेवा समिति द्वारा परिचय पत्र बनाया जा रहा है जिससे छत्तीसगढ़ के अत्यधिक अस्पतालों में इलाज हेतु सुविधा दी जाएगी। इसी कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा तत्काल प्रदान होगी। गरीब एवं निःशक्त जनों का इलाज निःशुल्क करवाने की बात कही। वहीं गांव के युवाओं समेत वरिष्ठ जनों ने नीलांचल सेवा समिति के जनहित कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए और सदस्य बनने के लिए आगे आए। कार्यक्रम के दौरान संपत अग्रवाल ने 100 से अधिक बुजुर्गों का शॉल श्रीफल से सम्मान कर आशीर्वाद लिया तथा ग्राम सकरी के दिव्यांग उत्तरा कुमार निषाद को ट्राई साइकिल भेंट की एवं कार्यक्रम के समापन में सायंकाल भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि बसना नगर पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र साहू, स्वप्रिल तिवारी, सुमित अग्रवाल, शीत गुप्ता, सोनू छाबड़ा, किरण पटेल, उपेंद्र साव, वीरेंद्र नायक, उत्तर कुमार पटेल, शिव किशोर साहू, मोहित पटेल, शरद तिवारी, शिशुपाल प्रधान, सोनू तिवारी, मीडिया सलाहकार जर्नलिस्ट प्रकाश सिन्हा, कमल ध्वज पटेल, मुकुंद साव समेत हजारों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद। भारत टीवी से जीवन दास की खास के कार्यालय खुल रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर नीलांचल सेवा समिति के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। और इस समिति का उद्देश्य क्या है? नीलांचल सेवा समिति, सेवा समिति के नाम से पता चलता है कि सेवा कार्य, नर सेवा, नारायण सेवा, इसी उद्देश्य से और बसना विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति तक हमारा सेवा कार्य पहुँचे, उसलिए जगह जगह सुदूर अंचलों में भी सेक्टर कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। उसी क्रम में आज धनापाली में किया गया और नीलांचल सेवा समिति में सैकड़ों काम है। ऐसा कोई भी व्यक्ति और कोई भी कार्यालय के आता है हमारे कार्यालय में तो निश्चित रूप से प्रयास किया जाता है कि उसका काम हो, उसकी सेवा हो। हर पोलिंग बूथ में नीलांचल सेवा समिति द्वारा जो सदस्य बनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सेक्टर प्रभारी अकेला क्या करेगा, हर पोलिंग बूथ में सदस्य रहेंगे तभी वो गांव में, प्रत्येक गांव में जिसको भी कोई भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या हो, राजस्व की, बिजली की, थाना पुलिस की या और अन्य किसी किस्म की भी, तो प्रत्येक गांव में गठन रहेगा, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे तभी उनकी समस्याएं हम तक पहुँच पाएंगी। अभी तक लगभग नीलांचल सेवा समिति में कितने सदस्य बन चुके हैं? अभी तक लगभग नीलांचल सेवा समिति में 65,000 सदस्य बन चुके हैं और 2-3 महीने में लक्ष्य है कि 1,00,000 सदस्य संख्या पूरी हो जाए। नीलांचल सेवा समिति बसना विधानसभा के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में इस समिति का गठन कर रही है। सेवा कार्य में और किसी क्षेत्र के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे बिलाईगढ़ क्षेत्र में भी हजारों की संख्या में सदस्य बन चुके हैं, सरायपाली के लोग बन चुके हैं, जलप के लोग बने हुए हैं, बागबाहरा के लोग बने हुए हैं, महासमुंद के भी, यहाँ तक कि रायपुर के लोग भी सदस्य बने हुए हैं। 65,000 में 5,000 तो जरूर बाहर बाहर के सदस्य बने हुए हैं। किसी सबका स्वागत है, जो सेवा कार्य करना चाहता है वो कहीं का भी व्यक्ति हमारा नीलांचल सेवा समिति का सदस्य बन सकता है।